बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन माय स्पाइसेस के साथ आज मैं नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बनाऊंगी दस मुहर्रम का हली। सबसे पहले हम तमाम दालें लेकर पानी में डिप करके ओवरनाइट रखेंगे। बकाया का मैं प्रोसीजर आपको फिर दिखाऊंगी। दो कप मैंने गंदम के लिए है और एक कप मैंने चने की दाल का लिया है। हाफ कप मसल, हाफ कप मूँग की दाल, हाफ कप मसर की दाल, हाफ कप उर्द की दाल, हाफ कप ब्राउन मूंग की दाल, हाफ कप ग्रीन मूंग की दाल, हाफ कप काले मूंग की दाल, हाफ कप सफेद लोबी, सफेद चने, ये कप है क्योंकि मैं आधा कप का मेजर कर रही हूँ, ये कप पूरा है। अब हम इसको ओवरनाइट पानी में डिप करके रखेंगे। आगे का प्रोसीजर हम आपको बाद में दिखाएंगे आगे क्या करना है। तीन अदद प्याज लेकर मैंने इसको फ्राई कर लिया अच्छी तरह, ये गोल्ड ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे। इसमें डाल रहा हूँ ये तकरीबन 3-3 टेबल स्पून है। साबुत काली मिर्च, कुछ लौंग, बड़ी इलायची, करी पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा और एक टेबलस्पून जीरे का। अब ये भी मैं डाल दूँगी इसमें। लहसुन अदरक हरी मिर्च की भुनाई हमने कर ली है। अब हम इसमें तमाम ड्राई मसाले डालेंगे। नमक, सुर्ख मिर्च का पाउडर, पिसा धनिया पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, हलीम का मसाला, या मैं तमाम ड्राई मसाले इसमें डाल दूँगी। ये तकरीबन तमाम एक एक टेबल स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ ही टमाटर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाले डालकर हमने अच्छी तरह इसकी भुनाई कर ली है। अब हम इसमें चिकन बोनस डालेंगे। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके काट लिया था। इसमें डाल दिया है, मैं 2.5 kg इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको डाल के इसमें डाल दिया है। अब हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे, फिर हम आपसे तैयार। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चिकन की हमने भुनाई अच्छी तरह कर ली है। अब हम इसमें दालें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें मैंने हाफ कप चावलों का भी डाला था और काले चने भी डाले थे। हमें इसे ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसमें पानी शामिल करेंगे। हली में हमने पानी डाल दिया है। हम तकरीबन इसको इतना पकाएंगे कि दालें और चिकन यकजा हो जाए पककर। हमें इसको खूब पकाएंगे तकरीबन 3 घंटे, फिर हम आपसे दोबारा मिलेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हलीम हमारा पक चुका है। तकरीबन इसको पकाने में 4 घंटे पूरे लगे हैं। दालें और चिकन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह हल हो चुका है। देखो यकिया हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। पिछले मुहर्रम में हमने गोश्त का बनाया था, इस बार हमने चिकन का बनाया। बहुत मज़े का बनाया, बहुत डिलीशियस तैयार हुआ है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चिकन हलीम हमारा तैयार है। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी तैयार हुआ है और ज़बरदस्त बना है आज। माशाल्लाह, आज हमने मुहर्रम की न्याज दी है। अल्लाह ताला इस न्याज को कबूल फरमाए। आइंदा भी
याद दिलवाने की तौफीक अता फरमाए। अगर जो मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ काइंडली फ्रेंड फ्रेंड में शेयर भी कर दें, पास ही लाइक का बटन उसको भी दबा दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, पैसे बेल आइकन का बटन उसको भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने आसपास का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आइंदा मैं मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।